हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। इशू ऑफ डिबेंचर्स के प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कशन किया था अबाउट द टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स के डिबेंचर्स एक्चुअली कितने टाइप के होते हैं और कौन कौन सी बेसिस के ऊपर उनका क्लासिफिकेशन होता है। नाउ इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द डिस्क्लोजर ऑफ डिबेंचर्स इन बैलेंस शीट की जो डिबेंचर्स होते हैं ये बैलेंस शीट में कौन सी हेडिंग और कौन सी सब हेडिंग के अंदर एक्चुअली हम डिस्क्लोज करते हैं। हम प्रीवियस वीडियोस में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं द डिबेंचर्स आर द लोन इंस्ट्रूमेंट ऑफ द कंपनी। ये लोन एक टाइप का एंड लोन आर द एक्सटर्नल लायबिलिटी ऑफ द कंपनी। जितने भी लोन्स होते हैं ये कंपनी की एक्सटर्नल लायबिलिटीज होते हैं। फाइन, एंड ऑल द लायबिलिटीज एंड असेट्स एट द एंड ऑफ द ईयर आर डिस्क्लोज्ड इन द बैलेंस शीट ऑफ द बिजनेस। किसी भी बिजनेस की बैलेंस शीट के अंदर ही सारी असेट्स और लायबिलिटीज अल्टीमेटली डिस्कस होती है। दूसरी बात ये कि कंपनी इटसेल्फ इज अ लीगल पर्सन। कंपनी जो होती है लीगल पर्सन होता है। ऑल एक्टिविटीज आर गवर्न्ड बाय द इंडियन कंपनीज एक्ट 2013। इंडिया के अंदर इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 में इसकी सारी स्टेप्स और सारी एक्टिविटीज को गवर्न किया जाएगा। फाइन, सेम विद द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता है वो भी एज पर इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 ही बनता है। उसके अंदर ऑलरेडी इसका एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट है। अब ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप बनाओगे, है ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बनता है ये बनता है एज पर शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। कंपनीज एक्ट 2013 के शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग बनता है। अच्छा, इसमें दो पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट इज द पार्ट 1 एंड सेकंड इज द पार्ट 2। पार्ट 1 के अंदर बैलेंस शीट का प्रोफॉर्मा गिवन है और पार्ट 2 के अंदर इनकम स्टेटमेंट का प्रोफॉर्मा गिवन है। फाइन, तो राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द बैलेंस शीट। और बैलेंस शीट के अंदर भी हमने अभी डिस्कस किया दैट डिबेंचर्स आर द लोन इंस्ट्रूमेंट, तो इट इज अ लायबिलिटी। तो अभी हम पूरी बैलेंस शीट के बारे में डिस्कस नहीं कर रहा है, अदरवाइज लेक्चर बहुत लेंदी हो जाएगा। बेटर वी शुड टॉक अबाउट द मेन पॉइंट्स कहां पर ये एक्चुअली डिस्क्लोज होगा। एनीवे, इस बैलेंस शीट के अंदर जो साइड्स होते हैं, पहली साइड क्या होगी आपकी, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इस इक्विटी एंड लायबिलिटी में फर्स्ट मेन हेडिंग जो होती है दैट इज शेयर होल्डर्स फंड। ये मेन हेडिंग कौन सी होती है, शेयर होल्डर्स फंड होता है। फिर इसके अंदर एक शेयर कैपिटल आता है, एक रिजर्व्स एंड सरप्लस आता है और एक आता है मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। और तीनों को ऐड करके क्या बन जाता है, हमारा शेयर होल्डर्स फंड बन जाता है। फाइन, सेकंड हमारी हेडिंग होती है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, दिस इज अवर बी हेडिंग। अभी हमें इसका कोई काम नहीं होता क्योंकि हमने डिस्कशन किया दैट डिबेंचर इज एन एक्सटर्नल लायबिलिटी। एक्सटर्नल लायबिलिटी है तो हम एक्सटर्नल लायबिलिटी के अंदर ही लिखेंगे इसको। नाउ सी हेडिंग इज द नॉन करंट लायबिलिटी एंड दिस वन इज द इंपॉर्टेंट हेडिंग। ये नॉन करंट लायबिलिटी, इसमें नंबर वन आता है लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। ठीक है, ये फर्स्ट इसकी सब हेडिंग बोलते हैं, ये ए बी एंड सी आर द मेन हेडिंग्स। सेकंड इज द डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। थर्ड इज द अदर नॉन करंट लायबिलिटीज एंड फोर्थ वन इज द लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। ये चार होते हैं और ये चारों मिलकर क्या बनाते हैं, टोटल नॉन करंट लायबिलिटीज, दैट इज सी। ये सी बनेगा। ओके, एंड लास्ट हेडिंग इज व्हाट, करंट लायबिलिटीज। लास्ट हेडिंग होती है करंट लायबिलिटीज। इसमें नंबर वन होता है शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, ठीक है जी, एंड सेकंड इज द ट्रेड पेबल्स। थर्ड इज व्हाट, अदर करंट लायबिलिटीज, और फोर्थ होता है इसमें शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। चारों का ऐड करके डी बनता है नॉन करंट लायबिलिटी। फाइनली वी विल ऐड ए बी सी एंड डी एंड इट विल बिकम व्हाट, टोटल लायबिलिटीज। ठीक है, तो ये हमारा इसका बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड का डिस्क्लोजर है। दूसरी बात ये कि भाई नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी क्या, आई होप ये तो आपको पता होगा, बट स्टिल थोड़ा सा मैं इसके अंदर बता देता हूं। ऑल लायबिलिटीज फॉर द पीरियड ऑफ मोर देन 12 मंथ्स और मोर देन ऑपरेटिंग साइकिल। आपकी ऑपरेटिंग साइकिल या आपके 12 मंथ से ज्यादा अगर कोई लायबिलिटी का ड्यूरेशन होता है तो दोज लायबिलिटी कम्स अंडर द हेडिंग ऑफ नॉन करंट लायबिलिटी। और अगर इनका पीरियड 12 मंथ से कम हो या ऑपरेटिंग साइकिल से कम हो तो दीज कम्स अंडर द हेडिंग ऑफ करंट लायबिलिटीज। ठीक है ना, अब क्वेश्चन ये कि डिबेंचर्स को हम कौन सी हेडिंग और कौन सी सब हेडिंग में लिखते हैं। देखिए, शेयर होल्डर फंड, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, नॉन करंट लायबिलिटी एंड करंट लायबिलिटीज आर द मेन हेडिंग्स। और उसके अंदर ये जो 1, 2, 3 से लिखे हैं दीज आर द सब हेडिंग्स। तो जो हमारा डिबेंचर है वो तीन जगह आता है। ठीक है, देखिए तीन जगह मतलब ऐसा नहीं है कि हर तीनों जगह पर एक साथ ही आएगा, म्यूचुअल एक्सक्लूज होता है, कभी इधर या कभी उसके अंदर। ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन द ड्यूरेशन। फर्स्ट होता है लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, इसमें आएगा। सेकंड इज द शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, या इसमें आएगा, और अदर करंट लायबिलिटी इसके अंदर। मींस डिबेंचर का डिस्क्लोजर
तीन जगह पर हो सकता है, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स और करंट लाइबिलिटीज। तो अब हम देखेंगे कब ये डिबेंचर एक्चुअली लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में आएगा, कब ये डिबेंचर शॉर्ट टर्म बोरिंग्स में आएगा और कब ये डिबेंचर अदर करंट लाइबिलिटीज के अंदर डिस्क्लोज होगा। अभी हमने डिस्कशन किया कि डिबेंचर्स का डिस्क्लोजर तीन जगह होता है, तो अब हम इसको वन बाय वन डिस्कस करेंगे कैसे तीन जगह हम इसको डिस्क्लोज करते हैं। फर्स्ट कहां पर होता है? इन लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। सबसे पहले हम कहां इसको डिस्क्लोज करते हैं? लॉन्ग टर्म बोरिंग्स विच इज अ पार्ट ऑफ नॉन करंट लाइबिलिटी। सेकेंड वन इज द शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स विच इज अ पार्ट ऑफ करंट लाइबिलिटी। एंड थर्ड वन इज द अदर करंट लाइबिलिटीज। यस ऑफ कोर्स, अदर करंट लाइबिलिटी विच इज ऑल्सो पार्ट ऑफ करंट लाइबिलिटी। अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं जिससे हम ये दो का देखेंगे कि भाई कहां पर कैसा आता है। देखिए, सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल में लेके, वी हैव इशूड सम डिबेंचर्स। 1 जुलाई 2015 को एक कंपनी ने 10,000.12% डिबेंचर्स इशू किए जिसकी एक की वैल्यू 100 रुपया है। मींस टोटल लाइबिलिटी इज ऑफ रुपीज 10 लाख, 10 लाख रुपए की लाइबिलिटी है। इसके रिडेम्पशन की डेट दी कंपनी ने कि फर्स्ट रिडेम्पशन होगा 30th जून 2019 को। कितने डिबेंचर्स रिडीम करेंगे? 5,000। फिर 30th जून 2020 को अगेन 3,000। एंड देन 30th जून 2021 को कितने डिबेंचर्स रिडीम करेंगे? लेट सपोज 2000। ओके, तो ये डिबेंचर इशू है 1 जुलाई 2015 को, और दीज आर द थ्री डेट्स ऑन विच डिबेंचर्स विल बी मेड। तीन डेट के ऊपर अलग अलग थोड़ा थोड़ा सा इसका रिडम्पशन जो होगा डिबेंचर का वो किया जाएगा। अच्छा, अगर हम यहां से डेट स्टार्ट करें, फर्स्ट इज अवर डेट ऑफ इशू 1 जुलाई 2015। इस दिन क्या किया हमने? डिबेंचर्स को इशू किया। और लास्ट रिडम्पशन जो होगा हमारा वो किस दिन आएगा? 30th जून 2021। दिस इज द डेट ऑफ अवर लास्ट रिडम्पशन। सो दिस इज अवर डेट ऑफ इशू 1 जुलाई 2015, एंड दिस इज द डेट ऑफ लास्ट रिडम्पशन 30th जून 2021। दूसरी बात यह कि हम किस बात पर डिस्कशन कर रहे हैं कि हमारी डिबेंचर्स का बैलेंस शीट में डिस्क्लोजर कब होगा, और बैलेंस शीट कब बनती है? एट द एंड ऑफ द ईयर ऑन द डेट ऑफ क्लोजिंग ऑफ अकाउंट। और लेट सपोज हम इसमें मान लें कि बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोजेज ऑन 31st मार्च एवरी ईयर। हर साल की 31 मार्च को बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज कर देते हैं, ठीक है जी। अब सबसे पहले इस 1 जुलाई 2015 से 30 जून 2021 के बीच में कितनी बैलेंस शीट बनेगी, कौन कौन सी डेट पर? तो एक बनेगी ये 31st मार्च 2016 को, ओके? एक बनेगी 31st मार्च 2017, एक बनेगी 31st मार्च 2018, उसके बाद एक बनेगी 31st मार्च 2019। उसके बाद फर्स्ट रिडम्पशन ड्यू होगा, तो फर्स्ट रिडम्पशन विल बी ड्यू ऑन 30th जून 2019, इसके जस्ट बाद में, ओके? उसके बाद नेक्स्ट बनेगी 31st मार्च 2020 को, फिर एक रिडम्पशन हमारा ड्यू होगा कब? 30th जून 2020 को हमारा रिडम्पशन ड्यू होगा, और उसके बाद फिर एक बैलेंस शीट हमारी बनेगी 31st मार्च 2021। तो ये हमारी बैलेंस शीट की डेट है, और ये जो तीन रेड मार्कर से लिखे, दीज आर द डेट्स ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। इस दिन कितने? 5,000 डिबेंचर्स रिडीम होंगे, इंटू 100 करेंगे तो 50,000 कितना हो जाएगा? ये 5 लाख रुपीज है ना, 5 लाख रुपीज के डिबेंचर्स इस दिन रिडीम होंगे। इस दिन 3,000 डिबेंचर्स रिडीम होंगे, इंटू 100 करेंगे फेस वैल्यू से, तो इस दिन 3 लाख रुपीज की लाइबिलिटी डिस्चार्ज होगी। और इस दिन 2,000 डिबेंचर्स रिडीम होंगे, इंटू 100 किया जाएगा, तो वी विल डिस्चार्ज द लाइबिलिटी ऑफ रुपीज 2 लाख ऑन 30th जून 2021, ठीक है जी। अब आइए हम इसकी बैलेंस शीट का डिस्क्लोजर देखते हैं। इस दिन हमने बनाई हमारी कौन सी? बैलेंस शीट, ठीक है। अब इस बैलेंस शीट के अंदर नेचुरली किसके अंदर आएगा? आपका इक्विटी एंड लायबिलिटीज के अंदर। बट इक्विटी एंड लायबिलिटी की कौन सी हेडिंग के अंदर आएगा? देखो, अभी हमारे पास टोटल यहां पर कितने डिबेंचर्स ड्यू है? टोटल 10,000 डिबेंचर्स कंपनी के पास है, ओके जी। यहां से लेकर अगर हम फर्स्ट रिडम्पशन भी देखें, तो देयर इज अ पीरियड ऑफ नियर अबाउट 1, 2, 3 इयर्स एंड 3 मंथ्स। 3 साल और 3 मंथ का पीरियड है, 31 मार्च 2016 से 30 जून 2019 तक भी अगर हम काउंट करें, 21 तक तो काउंट ही नहीं कर रहा, तो अभी हमारे पास 3 इयर्स एंड 3 मंथ्स का टोटल पीरियड है, फाइन। तो 3 इयर्स एंड 3 मंथ्स विच इज द पीरियड ऑफ मोर देन 12 मंथ्स एंड मोर देन ऑपरेटिंग साइकिल। अभी हम ये अज्यूम करेंगे ऑपरेटिंग साइकिल 12 मंथ से कम है, ठीक है। तो यहां पर 12 मंथ से ज्यादा का पीरियड है, तो ये कहां पर डिस्क्लोज होगा? सी हेडिंग नॉन करंट लायबिलिटी के नंबर 1 लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में। उसके अंदर भी हम लिखेंगे 12% डिबेंचर्स, और अमाउंट कितनी आ जाएगी? टोटल
10 लाख इस दिन टोटल अमाउंट कितनी आ जाएगी 10 लाख इस दिन आ जाएगी। ठीक है, ये हमारी कब की बात है 31st March 16 पूरे के पूरे डिबेंचर लॉन्ग टर्म बोरिंग्स के अंदर आ जाएंगे। नाउ कम टू द दिस 31st March 17 से एक साल दो साल और 3 months इसके अंदर अप्रोक्सीमेटली हो जाते हैं, अभी भी मोर देन 12 months। तो यहां भी बैलेंस शीट में इक्विटी एंड लाइबिलिटीज के अंदर नॉन करंट लाइबिलिटी की हेडिंग में लॉन्ग टर्म बोरिंग्स के अंदर अगेन वी विल रिकॉर्ड व्हाट 12% डिबेंचर रुपीज 10 लाख। ठीक है, पूरा लिख देंगे उसमें नंबर ऑफ डिबेंचर्स के साथ में। अगेन नाउ कम टू 31st March 18 एक साल और तीन मंथ हो रहा है इसमें। ठीक है ना, एक साल और तीन मंथ हो रहे हैं, तो यहां पर भी बैलेंस शीट में इक्विटी एंड लायबिलिटीज के अंदर नॉन करंट लायबिलिटी का पार्ट होगा लॉन्ग टर्म बोरिंग्स 12% डिबेंचर ऑफ रुपीज 10 लाख 10,000 पूरे डिबेंचर अब भी नॉन करंट लायबिलिटी माने जाएंगे। बट नाउ 31st March 19 इस डेट पर एक्चुअली क्या होगा, देखो इस डेट पर आपको डिबेंचर्स को दो पार्ट्स में क्लासिफाई करना पड़ेगा। टोटल 10,000 डिबेंचर्स में से 5,000 डिबेंचर्स जो रिडीम होंगे, ये 5,000 डिबेंचर्स जो आने वाले 3 months में रिडीम होने वाले, और ये 5,000 में डिबेंचर्स जो एक साल से ज्यादा के पीरियड में, अगर हम इसको भी देखें तो यहां से यहां तक एक साल और एक साल 3 months होते हैं। ठीक है ना, तो 5,000 डिबेंचर्स वो जो आफ्टर 3 months 30th June 19 को रिडीम होंगे, और बचे हुए 5,000 डिबेंचर्स जिसका रिडम्पशन में अभी एक साल से ज्यादा का पीरियड है। तो अब यहां पर दो अलग अलग हेडिंग्स के अंदर डिस्क्लोजर होगा। देखिए आपकी हेडिंग क्या होगी, इक्विटी एंड लायबिलिटीज, ये जो 5,000 जिसको अभी एक साल से ज्यादा का पीरियड है, ये आएंगे किसमें, हमारी नॉन करंट लायबिलिटीज की हेडिंग में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। इसको हम लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में लिखेंगे 12% डिबेंचर, और यहां लिखे जाएंगे 5,000 डिबेंचर्स एट द रेट रुपीज 100 और 5 लाख रुपीज यहां पर डिस्क्लोज होगा। ठीक है जी, ये भी तो डिस्क्लोज करने, अभी रीपेमेंट तो हुआ नहीं, रिडम्पशन तो हुआ नहीं है। तो ये जो 5,000 है इसको हम, अब कितना पीरियड रह गया इसकी मेच्योरिटी के अंदर, 3 months। ठीक है, तो नाउ दिस 5,000 रिडम्पशन डिबेंचर्स विल बी डिस्क्लोज्ड इन द हेडिंग ऑफ अदर करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटी की मेन हेडिंग होगी, अदर करंट लायबिलिटीज की सब हेडिंग होगी, और किस नाम से आएंगे, अच्छा शॉर्ट टर्म बोरिंग्स में नहीं आएंगे। हाँ, अपना ये फंडा क्लियर कर लीजिएगा, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में अगर मेच्योरिटी में लेस देन 12 मंथ्स है तो कभी वो शॉर्ट टर्म बोरिंग्स में नहीं आएगा, वो अदर्स में जाएगा, उसकी हेडिंग चेंज हो जाती है। तो यहां पर हम लिखेंगे करंट मेच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट्स, करंट मेच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट्स की हेडिंग में आएंगे कितने, 5,000 डिबेंचर्स एट द रेट रुपीज 100 ईच 5 लाख रुपीज। बट अल्टीमेटली आई दोनों बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में। तो यहां से जब आपकी मेच्योरिटी के अंदर लेस देन 1 ईयर का पीरियड रह जाए तो फिर उसकी हेडिंग चेंज हो जाती है। अभी तक यहां तक तो पूरे 10,000 डिबेंचर्स लॉन्ग टर्म डेट्स का, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स का पार्ट था, लेकिन अब हमने इसको चेंज कर दिया, 5,000 डिबेंचर्स जिसके रिडम्पशन में एक साल से ज्यादा का पीरियड है दैट विल बिकम द पार्ट ऑफ लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, और जिसके रिडम्पशन में एक साल से कम या ऑपरेटिंग साइकिल से कम का पीरियड है तो उसको हम किसमें डालेंगे, अदर करंट लायबिलिटी में, और उसमें भी सब हेडिंग के अंदर किस हेडिंग में डालेंगे, करंट मेच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट्स। ठीक है जी, अब चलिए ये तो हमने रिडम्पशन कर दिया, उसके बाद कम टू 31st March 31 मार्च पर हम आ जाते हैं। ठीक है, इस दिन यहां पर हमें बचे कितने डिबेंचर्स है, 5,000 डिबेंचर्स है, फिर हमें डिबेंचर्स को दो पार्ट्स में क्लासिफाई करना पड़ेगा, 2,000 और 3,000। ये 3,000 डिबेंचर्स वो हैं जो आफ्टर 3 months 31 मार्च 30 जून 2020 को रिडीम हो जाएंगे, अगेन देयर इज अ पीरियड ऑफ हाउ मेनी 3 months व्हिच इज लेस देन 12 months। फिर यहां पर अगर जो आपकी बैलेंस शीट बनेगी तो उसके अंदर इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड के अंदर ये जो 2,000 डिबेंचर्स है ये जाएंगे किसमें, नॉन करंट लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के अंदर। ठीक है जी, और उसके अंदर भी हम क्या लिखेंगे, 12% डिबेंचर्स 2,000 एट द रेट रुपीज 100 ईच और 2 लाख रुपीज लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स का पार्ट बन जाएगा। फाइन, ये जो 3,000 है इसके अंदर मेच्योरिटी के 3 months रह गए तो इट विल बिकम अ पार्ट ऑफ करंट लायबिलिटी, उसके अंदर भी किसमें जाएगा, ये अदर करंट लायबिलिटीज में, फिर वही लिखेंगे करंट मेच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेट्स, कितने 3,000 डिबेंचर्स एट द रेट रुपीज 100 ईच दैट इज रुपीज 3 लाख।
तो हमने फिर इस 5 लाख को क्या कर दिया, 2 पार्ट्स के अंदर क्लासिफाई कर दिया। फाइन, तो ये फिर से हमारा ये और ये एक साथ चल रहा है इसमें। ठीक, अब आए हम 31 मार्च 2021 को। इस दिन हमारे पास सिर्फ 2000 डिबेंचर्स रह गए और उन 2000 डिबेंचर्स के रिडम्पशन में भी जस्ट वी हैव ओनली 3 मंथ्स नाउ। ठीक है, तो ये कहां पर बैलेंस शीट जो 31 मार्च को बनेगी, इस दिन हम कहां लिखेंगे, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज में, नॉन करंट लाइबिलिटी में आएगा क्या? नहीं, क्यों? क्योंकि अब रिडम्पशन में वी जस्ट हैव ओनली 3 मंथ्स, तो हम कहां डालेंगे इसको, करंट लाइबिलिटी में, और वो भी किस में, अदर करंट लाइबिलिटीज में, क्या बोलते हैं उसको, करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेट्स, कितने 2000 डिबेंचर्स एट द रेट ₹100 ईच, दैट इज ₹2 लाख। ठीक है, तो ये हमारा क्लासिफिकेशन था कि कब डिबेंचर लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में आएगा और कब अदर करंट लाइबिलिटीज के अंदर आएगा। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में तब आता है जब डिबेंचर के रिडम्पशन में 1 साल से या ऑपरेटिंग साइकिल से ज्यादा का पीरियड होता है। अच्छा, एक बात और बताऊं मैं आपको कि अगर कुछ भी मेंशन नहीं हो तो डिबेंचर्स हमेशा लॉन्ग टर्म ही होते हैं और उनका पीरियड मोर देन 1 ईयर ही होता है। बाय डिफॉल्ट हम ये अजम्पशन लेके चलते हैं कि डिबेंचर्स आर इशूड फॉर द पीरियड ऑफ मोर देन 1 ईयर, तो हमने इसको 1 साल के से ज्यादा के लिए किया, इंटेंशन के ऊपर बेस्ड होता है। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स और अदर करंट लाइबिलिटीज का तो आपको समझ आ गया कब जाता है। शॉर्ट टर्म बोरिंग्स में कब जाएगा, जब डिबेंचर्स में, जब आप एक्चुअली इसका पीरियड बहुत ज्यादा नहीं होगा और सारे डिबेंचर्स जो होंगे वो बैलेंस शीट की डेट से लेकर तो जो मेच्योरिटी डेट है उसके अंदर 12 मंथ से कम का पीरियड रह जाएगा। जैसे हम इसी में एक एग्जाम्पल लेकर चलें कि हमने डिबेंचर्स इशू किए 1 जुलाई 2019 को, वी आर इशूइंग 10,000.12% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच, ये 100 रुपए का एक है और जिसकी वैल्यू कितनी है, 10 लाख रुपीज है, और उसका रिडम्पशन कब होगा, 31 दिसंबर 2020 को इसका रिडम्पशन होने वाला है। सारे 10,000 डिबेंचर्स विल रिडीम्ड एट अ टाइम, एक साथ लमसम के अंदर हो जाएंगे। अब इसके अंदर अगर आप देखें तो हमारे डेट ऑफ इशू क्या है, 1 जुलाई 2019 को ये डिबेंचर इशू हुए हैं और 31 दिसंबर 2020 को ये रिडीम हो जाएंगे। वैसे देखा जाए तो ये पीरियड 1 साल से ज्यादा का है, लेकिन पीरियड यहां से काउंट नहीं होता। हम ये देखेंगे कि हम बैलेंस शीट कब बनाएंगे, 31 मार्च 2020 को, इस दिन से लेकर इस डेट तक का पीरियड अगर आप देखें तो इट इज अराउंड 9 मंथ्स, 9 मंथ बचे, और इससे पहले डिबेंचर कभी एक बार भी बैलेंस शीट के अंदर लॉन्ग टर्म में डिस्क्लोज नहीं हुआ। पहली बार ही ये बैलेंस शीट बन रही है और उसी में जो मेच्योरिटी पीरियड है वो लेस देन 12 मंथ्स है। तो यहां पर जो बैलेंस शीट बनेगी इसमें डिबेंचर्स इक्विटी एंड लाइबिलिटीज की करंट लाइबिलिटी के शॉर्ट टर्म बोरिंग्स वाले पार्ट में आएंगे 12% डिबेंचर ₹10 लाख। ठीक है, अच्छा यहां पर यह क्वेश्चन भी उठता है कि भाई सर यही का सेम टू सेम केस तो अपने लॉन्ग टर्म बोरिंग्स के अंदर भी था, लेकिन वहां पर एक्चुअली ओरिजिनली जो डिबेंचर्स थे उनका पीरियड जो था फ्रॉम इशू टिल रिडम्पशन वो कितना था, मोर देन 12 मंथ्स था, अलग ही दिख रहे थे लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। तो यहां पर इशू करने के बाद जो फर्स्ट बैलेंस शीट बनी उसी और सारे के सारे डिबेंचर्स हम रिडीम कर रहे हैं, तो यहीं पर हम क्या करेंगे, इसको शॉर्ट टर्म बोरिंग्स के अंदर डाल देंगे। एक बात और बता दूं उसके अंदर कि अगर कुछ भी मेंशन नहीं हो तो बाय डिफॉल्ट डिबेंचर्स आर लॉन्ग टर्म एंड दे आर शोन इन द लॉन्ग टर्म बोरिंग सेटिंग। अगर क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं है, कहीं भी कुछ भी मेंशन नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट डिबेंचर्स विल बी कंसिडर्ड एज लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, और हम उसको कहां शो करेंगे, नॉन करंट लाइबिलिटी की लॉन्ग टर्म बोरिंग्स के अंदर। सो दिस इज ऑल अबाउट द डिस्क्लोजर ऑफ डिबेंचर्स इन बैलेंस शीट। आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल। अगर कोई क्वेरी या डाउट हो तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। दिस इज नजीब हाशमी साइनिंग ऑफ फ्रॉम कॉमर्स सॉल्यूशन। थैंक यू।